इंदौर में एक और बड़ा विवाद उभर कर सामने आया है। यह मामला है विजयश्री पैकेजिंग के मालिक और इंदौर भोपाल के कई आईएएस अधिकारियों के करीबी राजेंद्र जैन के द्वारा बनाई जा रही शॉपिंग मॉल आरआर स्पेक्ट्रम के निर्माण का। इस मॉल को बनाने का ठेका लिया है लाभम ग्रुप के सत्यनारायण उर्फ पप्पू मंत्री ने। पीएसपी की जमीन पर कमर्शियल मॉल का नक्शा तत्कालीन अधिकारियों ने पास कर दिया। इतना बड़ा घोटाला कैसे हो गया, इस बात को लेकर जांच की मांग की गई थी। हालांकि इस मामले में जांच भी शुरू हो गई है। आरआर स्पेक्ट्रम मॉल का निर्माण अन्नपूर्णा मंदिर के पास तेजपुर गड़बड़ी के सर्वे नंबर 59/5/3 पर 0.421 हेक्टेयर जमीन पर हो रहा है। पूर्व में इंदौर नगर निगम की मेयर इन काउंसिल की बैठक में इस मॉल को लेकर विवाद उठ चुका है। पार्षद और एमआईसी सदस्य बबलू शर्मा ने आरोप लगाया कि इस मॉल का नक्शा गलत तरीके से पास किया गया। साथ ही ये जमीन पीएसपी की श्रेणी में आती है जहां कमर्शियल निर्माण नहीं किया जा सकता। इस जमीन पर मास्टर प्लान 2021 में पीएसपी यूज की है, अर्थात यहां अस्पताल स्कूल जैसे निर्माण हो सकते हैं, मगर टीएनसीपी और नगर निगम से मिली अनुमति पर विवाद है। ये मॉल ऐसी जमीन पर बन रहा है जिस पर पहले से ही कमर्शियल गतिविधियों की अनुमति नहीं थी। इस जमीन का लैंड यूज पीएसपी यानी पब्लिक सेमी पब्लिक के लिए था, जो कि धार्मिक और सार्वजनिक सेवाओं से जुड़ी होती है। लेकिन बावजूद इसके पूर्व अधिकारियों ने इस मॉल का नक्शा पास कर दिया। मामला सामने आने के बाद बबलू शर्मा ने नगर निगम अधिकारियों के खिलाफ जांच की मांग की। इस मामले में जांच अब शुरू हो चुकी है। इस मॉल का निर्माण लाभम ग्रुप और पप्पू मंत्री के बेटे की निगरानी में हो रहा है। वहीं स्थानीय निवासियों ने चिंता जताई कि मॉल बनने से यहां ट्रैफिक की समस्या और ज्यादा बढ़ जाएगी। क्या यह मामला केवल एक निर्माण घोटाले का है या इसके पीछे कुछ और रास्ते पे है? इस मुद्दे पर एयर इंडिया की टीम ने बबलू शर्मा से बात की और जानने की कोशिश की कि आगे क्या कार्रवाई होगी। बैठक में एक मामला उठाया था स्पेक्ट्रम मॉल का, जो कि पूरी तरीके से पीएसपी की जमीन पर बन रहा है, कमर्शियल उपयोग के लिए पूरी तरीके से अवैध है। उसके बाद जी देखिए, हमारे क्षेत्र अन्नपूर्णा मंदिर जो एक बड़ा तीर्थ स्थल है, अन्नपूर्णा माता की वहाँ स्थापना है, उसके पास में ही ये मॉल बन रहा है। उसके एक तरफ स्कूल है, एक तरफ चोइतराम क्लिनिक है। तो क्षेत्र की जनता का भी ये कहना था, मेरे पास 3-4 कॉलोनी के रहवासी संघ के लोग आए कि भैया ये मॉल यहाँ कैसे बन रहा है, अगर ये बनेगा तो पहले ही हमारे वहाँ ट्रैफिक का काफ़ी स्थिति यहाँ पर काफ़ी ख़राब है और जाम रहता है लगातार, इसके बनने के बाद तो और स्थिति ख़राब होगी। फिर मॉल की जानकारी निकाली गई तो ये निकल कर आया कि वो पीएसपी की लैंड के ऊपर उसको परमिशन उन्होंने ली और उसके बाद वो बना रहे हैं। तो मेरा यही सवाल था कि इसको परमिशन मिली कैसे, किन नियमों के अंतर्गत मिली है, क्या मिली है, ये एक जांच का विषय है। तो वही बात मैंने अधिकारियों के सामने रखी थी और उसके लिए माननीय महापौर कमिश्नर साहब ने उसकी जांच का आश्वासन भी दिया और उस पर जांच चालू भी हो चुकी है। तो ये जो जमीन है इस पे जो परमिशन मिली, क्योंकि प्रोजेक्ट काफी बड़ा है, और तत्कालीन कुछ अधिकारी रहे हैं या वर्तमान में ही इंदौर में पदस्थ हैं? नहीं, ये पूर्व में हुआ है। सबसे पहले तो इसमें टाउन एंड कंट्री की भूमिका देखना, डिपार्टमेंट की भूमिका देखना पड़ेगी कि वहाँ से कैसी इसकी परमिशन मिली। और मेरा ये क्वेश्चन था कि अगर वहाँ से कोई गलती हो जाती है और नगर निगम को, ये मास्टर प्लान के अंतर्गत विकसित क्षेत्र है, तो इसके अंदर परमिशन नगर निगम जब देता है तो नगर निगम को भी एक बार, अधिकारियों को भी देखना चाहिए, निरीक्षण करना चाहिए। तो ऐसा क्या रहा कि बाकी सब आम नागरिकों को तो इस तरह की परमिशन के लिए परेशान होना पड़ता है और इस माल को नियमों को ताक पर रखकर किस आधार पर परमिशन दे दी गई, तो उसके ऊपर जांच चल रही है और निश्चित ही कार्रवाई होगी जो भी दोषी होंगे। ये निगम स्तरीय जांच चल रही है या उच्च स्तरीय जांच चल रही है इसमें? अभी तो निगम में ही माननीय कमिश्नर साहब और महापौर जी ने इसकी जाँच कराई है और टाउन एंड कंट्री डिपार्टमेंट को भी पत्र लिखा है कि आपने किस आधार पर इसको परमिशन दी थी। साथ ही यहाँ पर भी निगम के जिन अधिकारियों की भी भूमिका इसमें रही है उसकी भी जांच चल रही है। तो ये इसमें अधिकारियों पे कार्रवाई होगी या उस पर जो निर्माण भी बन चुका है, क्योंकि काफी ज्यादा निर्माण भी उस जमीन पर हो चुका है, तो क्या उसको भी, क्या रिमूवल की वहाँ पर भी कार्रवाई होगी जाँच के बाद? मेरे हिसाब से जितना निर्माण करने वाला दोषी है उतना ही गलत परमिशन देने वाला भी दोषी है। तो मेरी तो यही मांग है कि जिन्होंने परमिशन दी उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए और जो गलत निर्माण कर रहा है उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए, निर्माण को भी तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी। हाँ, जो भी नियम अनुसार होगा। इंदौर में जहां एक तरफ शहर के विकास के दावे किए जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ एक बड़े बिल्डर और माफिया की साठगांठ के चलते एक और निर्माण घोटाले का पर्दाफाश हो रहा है। ये मामला है विजयश्री पैकेजिंग के मालिक और इंदौर भोपाल के कई आईएएस अधिकारियों के करीबी राजेंद्र जैन और पप्पू मंत्री के आरआर स्पेक्ट्रम मॉल को लेकर। मॉल के निर्माणाधीन साइट अन्नपूर्णा मंदिर के पास तेजपुर गड़बड़ी की पीएसपी जमीन पर स्थित है,
जहां कमर्शियल गतिविधियों की अनुमति नहीं है। गड़बड़ी सामने आने पर क्षेत्रीय पार्षद और एमआईसी सदस्य बबलू शर्मा ने इस मुद्दे को मेयर इन काउंसिल की बैठक में उठाया और आरोप लगाया कि निर्माण कार्य बिना उचित मंजूरी के किया जा रहा है। अब इस मॉल के निर्माण को लेकर मामले की जांच शुरू हो चुकी है। मॉल की शिकायत मंत्री से लेकर प्रमुख सचिव, संभागायुक्त, कलेक्टर, निगम आयुक्त को की गई है। क्या इस विवाद से जुड़े लोग अपने आका की मदद से बच पाएंगे या फिर इस बार न्याय मिलेगा? क्या यह मॉल भी बड़े घोटाले का हिस्सा है? मामला जितना साधारण लग रहा है उतना है नहीं। अगर जांच में दोषी पाए जाते हैं तो बड़ी कार्रवाई की उम्मीद की जा सकती है।